पेल फॉर लेमन हॉलीवुड मैंने ब्रीड हाँ करवाया, उसकी इतनी खास जजमेंट नहीं है, नहीं पता लगता है। मेरे ख्याल से दोनों ह्यूमन इंजन बर्ड लाइट है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको डिल्यूट में उसमें ब्रीड करवाना चाहिए। डिल्यूट आप पेल में ब्रीड करवाएं। अंडे से बच्चा निकलता है, हैचिंग होती है, उसके बाद 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन के अंदर अंदर जो है ना बच्चा एक्सपायर हो जाता है। इसकी क्या वजह है? जो चीज़ आप बेच सकते हैं ना, आप वो चीज़ लगाएं। ट्रेंड को फॉलो नहीं करना आपने। जो चीज़ आपको पसंद आती है वो पसंद आए। मेरे पास तो बड़ी अच्छी एवरेज है, 6 से लेकर 9 तक गाते अच्छा हैं। छः माशा से अल्लाह। कम कोई भी पेयर मेरा लैंग नहीं करता। ये समझ अर्निंग गया जो वो। होती है जी, वो डिपेंड करती है आपकी ब्रीड भी। अगर ब्रीड अच्छी हाँ है तो हो सकता है 5 लाख को 15 लाख भी कर लें। अगर ब्रीड आपको हाँ अच्छी नहीं है तो हो सकता है बर्ड भी एक्सपायर हो जाए। तो एक मेन वजह है ना, वो आपका वाटर भी होता है कि वाटर सोर्स जो है, आप कौन सा वाटर यूज़ कर रहे हैं, टैप का यूज़ कर रहे हैं, फिल्टर का यूज़ कर रहे हैं। गीला दाना लोग देते हैं, मैं कहता हूँ वो इजी डाइजेस्टेबल नहीं है, तो बच्चे की इम्यून वीक होती है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो बच्चा उससे भी एक्सपायर हो जाता है। नहीं तो ये बरसात के जो महीने हैं इसमें आपने सॉफ्ट फूड नहीं देना, और अब जो मौसम चल रहा है इंदर में वगैरह ग्रीन वेजिटेबल भी ना दें बर्ड्स को तो बेहतर है। अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ चौधरी मोहम्मद नईम फ्रॉम चैनल जस्ट एग्रीकल्चरिस्ट। आज हम मौजूद हैं फैज़ी भाई की तरफ, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। हॉबी के अंदर इनका मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा हाथ है इस हॉबी को प्रमोट करने में, और इस टाइम LSP के अंदर वाइस चेयरमैन है, और लास्ट जो शोज़ हो चुके हैं 4-5 उनमें जज का किरदार अदा किया है। तो बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम फैज़ी वालेकुम भाई, सलाम। कैसे नईम हैं? भाई, ठीक है। आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप आए, टाइम निकाला इंटरव्यू के लिए। बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं थैंक यू। आप। अच्छा फैज़ी भाई, अमूमन मैं ये सवाल पूछता नहीं हूँ, आपकी सक्सेस की क्या है, मतलब कि इतने टाइम में इतना अच्छा जो है ना आपने कवर किया है, वो किस तरह जो है सक्सेस ना? की जो है जी, सबसे पहले तो माँ बाप की दुआएं हैं, अल्लाह जी का बड़ा बिल्कुल। खास करम है, आप सब दोस्तों की दुआएं हैं। उसके अलावा जो अप एंड डाउन मैंने देखे हैं, शायद कोई और देखता तो वो डिसहार्ड हो जाता। मैं डिसहार्ड नहीं हुआ इस चीज़ से। मुझे शौक था बेसिकली। मैं एक शौकीन हूँ, अगर बर्ड को बिजनेस बनाया तो वो बाद में बनाया, पहले मैं एक शौकीन हूँ। और बर्ड का रेट नीचे है या ऊपर जाए तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने हॉबी 2008 से कर रहा हूँ, अभी तक मैंने हर चीज़ में अप एंड डाउन देखा है, और अलहमदिल्ला जो पैशंस है ना आपके, वो आप कामयाबी का राज बनते हैं। और किस किस म्यूटेशन पे इस टाइम काम कर रहे हैं? मैं फ़िलहाल जो है फिंच भी मैंने रखी हुई है, थोड़ा सा इग्नोर भी अच्छा रखा हुआ है, माशाल्लाह। लव बर्ड भी रखा हुआ है, बजरी घर भी, सब कुछ ही चल रहा है। जो पसंद आता है वो रख लेता हूँ बस। ठीक हो गया। अच्छा फैजी भाई, बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो न्यू फैंसियर्स है ना इस टाइम, उनको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। अंडे से बच्चा निकलता है, हैचिंग होती है, उसके बाद 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन के अंदर अंदर जो है ना बच्चा एक्सपायर हो जाता है। इसकी क्या वजह है? मैं बताता हूँ, इसकी जो मेन वजह होती है ना, वो होती है कि एग की क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं होती। कुछ दफ़ा डेड एंड शेल हो जाते हैं आपके एग्स। क्या होता है वो जो एग का एम्ब्रॉय होता है, जो बच्चा जो बनता है वो बहुत वीक होता है, ख़ासतौर पर रेड आई में ऐसा होता है। रेड आई बर्ड को एक्स्ट्रा, जो फीमेल्स होती हैं, जो मेल्स होते हैं, उनको एक्स्ट्रा आपको विटामिन देना पड़ते हैं, उनको एक्स्ट्रा विटामिन B12 देना पड़ता है, विटामिन सी देना पड़ता है, तो तभी जाके जो आपका एग की क्वालिटी है वो एक बेहतर होती है। डाइट से हमने एग की क्वालिटी बेहतर करनी है। उसके बाद जो लोग कहते हैं कि हैचिंग होती है, बच्चा एक्सपायर होता है, तो वो नहीं होगा। अच्छा, इसमें जो एक मेन वजह है ना, वो आपका वाटर भी होता है कि वाटर सोर्स जो है, आप कौन सा वाटर यूज़ कर रहे हैं, टैप का यूज़ कर रहे हैं, फिल्टर का यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी लोग कहते हैं फिल्टर का पानी यूज़ कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, कहता हूँ जी चेक करें आपका TDS लेवल क्या है, PH लेवल क्या है, तो वो कहते हैं जी TDS लेवल जो है हमारा वो 200 से ऊपर है, और pH लेवल जो हमारा 8.5-9 है, तो वो नहीं सही, वो हैचिंग बर्ड्स के लिए नहीं ठीक है। आपका 100 जो है TDS लेवल होना चाहिए, और pH लेवल 7.5 होना चाहिए आपका उसमें तो पानी का। इसके लिए क्या करें? अब तो तकरीबन जो है वो यार टैब RO वगैरह। प्लांट नहीं, RO प्लांट लें, अब सस्ता है, 30-40 हज़ार रुपये का RO प्लांट। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हमारे जो बर्ड्स वाले शौकीन लवर्स हैं, किसी के लिए मसला है 30-40 हज़ार रुपये का निकालना या RO प्लांट लगवाना। आप किचन में लगवाएं, घर वाले भी वो पानी पिए, बर्ड्स को भी वही पानी दें आप। AC लगवा सकते हैं तो फिर वो भी लगवा सकते हैं, इतना कोई बड़ा इशू बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसका तो एक दफ़ा खर्चा है जो RO प्लांट लगना है आपका, AC का तो आपको हर महीने बिल भी आना।
ऐसे ही है बिल्कुल। सॉफ्ट और सॉफ्ट फूड जो है उसका भी कोई इशू है इसके अंदर? फूड का भी होता है, मसलन कि गीला दाना लोग देते हैं, मैं कहता हूँ वो इजी डाइजेस्टेबल नहीं है, तो बच्चे की इम्यून वीक होती है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो बच्चा उससे भी एक्सपायर हो जाता है। तो ना मैं गाजर वगैरह देता हूँ, सर्दियों में मैंने सिर्फ मेथी देनी होती है, और गर्मियों में मैंने सिर्फ घिया देना होता मेथी और घिया है। बस। और जो है वो सॉफ्ट फूड और दाने का इशू है, सॉफ्ट फूड का तो आपने बता दिया, उसके अंदर क्या सूख वो जो गीला दाना वो ना दें? गीला दाना अगर आप ज्यादा ही, आप कहते हैं देना जाना, आप देना चाहते हैं बर्ड आपको ज्यादा, तो उसको ग्राइंड कर लें, एक दफा आप अच्छा, ग्राइंड करके रख ग्राइंड दें। कर लें उसको, ड्राई करें, ग्राइंड कर लें, फिर उसके बाद वो दें आप बर्ड्स को। और जो दूसरा दाना जो हमें मार्केट से मिलता है, जो दाना हमें मिलता है, उसका भी कोई इशू होता है दाने उस? की रेशो भी होती है, अगर किसी चीज़ की सूरजमुखी का वो ज्यादती, कहते हैं। सूरजमुखी की ज्यादती है तो वो भी नुकसानदेह है बर्ड के हाँ लिए। और भी काफ़ी सीड्स ऐसे होंगे जिनकी ज्यादती जो है बड़ी नुकसानदेह होती है, सही हो गया। लिवर ही फैटी लिवर हो जाता है बर्ड्स का, उससे भी ब्रीडिंग ही प्रॉब्लम होती है बर्ड्स के आपको। और इस मौसम में जो है ना वो फैट हो रहा है और चर्बी जो है वो चढ़ रही है अच्छा, बर्ड्स ये इन को। दोनों में जारी बात है, आपने हाँ बर्ड रेस्ट पे दिया होता है, डाइट आपकी सेम ही है, आप स्टेम विटामिन देना शुरू कर दिए, तो वो चर्बी आज देश नॉर्मल, जब ब्रीड पे लगाएंगे तो वो सही हो जाएगी बर्ड, वो खत्म हो जाती है। और नहीं अगर इस बेसिकली टाइम लव बर्ड को ना चर्बी होती नहीं है, हम लोग कहते हैं चर्बी होती है वो, उसके साइडों में फैट आ जाती है, ओवरी में फैट नहीं होती, ओवरी में लव बर्ड के सिस्ट ही बनता है, जब भी बनता तो मतलब उसका कोई इशू नहीं अगर ब्रीड पे लगा रहे हैं हम तो, है। हाँ, मतलब तो उसको थोड़ी देर फ्लाइट देते हैं, या आपको हाँ इसके विटामिन को जैसे के लिए रोक देंगे तो वो सेट हो जाएगा मामला। सही होगा। अच्छा मुझे जी बताएं आपका जो है वो एग रेशो क्या आ रही है आपके बर्ड्स की, मतलब कि कितना जो है ना वो एग्स आ रहे हैं एवरेज जो है? यार देखें, मेरे पास तो बड़ी अच्छी एवरेज है, 6 से लेके 9 तक एग आते अच्छा हैं, छः से माशाल्लाह। कम कोई भी पेयर मेरा लेंग नहीं करता। वो सिर्फ जो है विटामिन कैल्शियम की जो विटामिन्स हैं, हाँ कैल्शियम्स हैं, उनकी वजह से बिल्कुल ऐसे ही। क्लच कितने ले रहे हैं आप? अच्छा, मैं बेसिकली ब्रीड स्टार्ट करता हूँ दिसंबर में या नवंबर के एंड में या दिसंबर के मिड में, तो मेरे पास क्लच 3 ही आ रहे होते हैं। जो लोग अभी अगस्त सितंबर में लगा देंगे वो भी 3 क्लच ही लेंगे, मैं भी 3 क्लच ही लूंगा, क्लच 3 ही आते हैं। फॉस्टरिंग के हक में मैं नहीं होता, फॉस्टरिंग मैं नहीं अच्छा करता, फोस्टिंग आप बिल्कुल नहीं करवाते? नहीं लोग तो इस टाइम जो है ना 6-6 क्लच भी जो है ना वो ले नहीं रहे वो हैं। गलत करते हैं, बर्ड के साथ ज्यादती है और कुछ भी नहीं है उससे, आप बर्ड के साथ ज्यादती कर रहे हैं मतलब। अच्छा फैजी भाई इस टाइम ना बच्चे जो है वो वीक हैं, कुछ अंदर से कुछ बच्चे इस तरह के वीक हैं जो सीजन के अंदर जाके भी जो है ना ब्रीड नहीं कर पाते नहीं, इसकी इस मैं बताता हूँ, जो थर्ड क्लच होता है वो तो आपका वैसे ही, मतलब कि मैं अभी तक, जी। मेरे कुछ पेयर्स हैं जो अभी तक ब्रीड करना है, जो बच्चे सेल्फ हो जाएंगे तो मैं उनको फ्री करूँगा। मेरा रेस्ट पीरियड बेसिकली बरसात होता है, इस दफ़ा जो वेदर जो इतना चेंज हो गया कि बरसात वो 1.5-2 महीने पहले ही आ गई है, ऐसे ही जो अगर बिल्कुल। 1.5-2 महीने बाद आ रही होती है, तो इन दिनों में जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं वो कमज़ोर पढ़ रहे हैं, उनकी आइज भी अब नॉर्मल सी हैं, बीक भी, तो वो इससे नॉर्मल है। फर्स्ट क्लच और सेकेंड क्लच मेरा बिल्कुल ठीक था, तो ये हो जाता है, ये वेदर पर डिपेंड करता है आपका, जो बच्चे वीक पल रहे होते हैं। नहीं, कुछ दफ़ा इस तरह भी होता है कि पहला जो क्लच होता है ना उसके अंदर ही या दूसरे क्लच के अंदर ही कुछ एक दो जो है ना इस तरह के वीक बच्चे आ अच्छा, जाते हैं वो जो सतमाया बर्ड होता है, कर हाँ जाता है ब्रीड, इतना मसला तो नहीं होता उसका, हाँ विटामिन वगैरह भी चलाना पड़ता है उस बर्ड को। नहीं आप अक्सर दोस्तों के पास है उनका ना साइज भी थोड़ा छोटा है और साइज छोटा होता है लेकिन बर्ड हाँ वो ब्रीड करता है अच्छा, तो मैंने कभी नहीं देखा कि बर्ड ब्रीड ना करे वो। नहीं वो जो है ना वो 2-3 दोस्तों का आया कि यार ये बर्ड ब्रीड ही नहीं कर रहा, थोड़ा सा वीक जरूर है और साइज भी उसका छोटा है लेकिन ब्रीड नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या अच्छा, वो करना मेरे चाहिए? ऐसा कोई इस तरह का नहीं आया, उनको एक्स्ट्रा विटामिन B12 दें, ई सिलेनियम दें, तो इंशाल्लाह ब्रीड कर जाएंगे। अल्बाइनो क्रिमिनो जो है वो एक जो है ना स्टेबल मार्केट पे जा रहा है, बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही। बाकी बर्ड्स जो है ना वो ऐसा 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 से नीचे की तरफ आते जाते हैं, इसकी क्या वजह है कि क्रिमिनो और अल्बाइनो जो है ना वो स्टेबल है, उसकी एडवर्टाइजमेंट इस तरह की है, क्या उसमें जो है ना बेसिकली मामला जो था? क्रीमिनो और बैनो बर्ड है ना, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना ब्रीड नहीं होता जितना पाकिस्तान में ब्रीड होता, और पाकिस्तान रेड आई बर्ड की वो ऐसी मार्केट है जो यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है, और जो हमारा इधर न्यू शकीन आता है, जो बर्ड लवर आता है, उसका पहला पेयर ही जो होता है वो क्रिमिनल बाइनो का होता है, उसकी वजह से हमारी जो डिमांड है इसकी क्रिमिनल बाइनो की खत्म नहीं होती। और इसकी डिमांड मेरा नहीं ख्याल किसी प्राइस में फर्क भी पड़ेगा, जो हमारे डॉलर की प्राइसेस हो गई है जब बर्ड ने एक्सपोर्ट होना, तो मेरे ख्याल से ये इस टाइम बेस्ट प्राइसेस है बर्ड की एक्सपोर्ट होने की, बर्ड एक्सपोर्ट होगा आपका। अच्छा न्यू फैंसियर आता तो इसी में ही है। फॉर एग्जांपल अगर 5 को लाख रुपए का जो है ना वो सेटअप स्टार्ट करता है
तो कितनी को अर्निंग अंदाजन कर सकता है अल्बाइनो ये कमर्शियल अर्निंग गया जो हो? होती है जी, वो डिपेंड करती है आपकी ब्रीड भी। अगर ब्रीड अच्छी हाँ है तो हो सकता है 5 लाख को 15 लाख भी कर लें। अगर ब्रीड आपको हाँ अच्छी नहीं है तो हो सकता है बर्ड भी एक्सपायर हो जाए, तो 5 लाख आपका जो है वो जीरो भी हो सकता है स्टेक। उसमें कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में हम न्यू स्कीम। और इस टाइम जो है ना नमी का मौसम है, सॉफ्ट फूड जो है कब स्टार्ट करें कि उसके अंदर फंगस अच्छा, वगैरह? मेरे मेरे शेड में लगा हुआ है एसी, तो मेरे शेड में तो 100 फुट 365 दिन डलता है, बेशक वो बरसात हो या जो भी हो। तो अगर आप भी अफोर्ड कर सकते हैं एसी लगा हुआ तो आप 100 फुट दे सकते हैं, नहीं तो ये बरसात के जो महीने हैं इसमें आपने 100 फुट नहीं देना। और अब जो मौसम चल रहा है इन दिनों में, अगर ग्रीन वेजिटेबल भी ना दें बर्ड्स को तो बेहतर है, ठीक हो क्योंकि गया, डायरिया वगैरह होता है, कोई बैक्टीरिया चला गया अंदर तो बर्ड लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर देना भी है तो मतलब कि आधे घंटे बाद उठा ड्राई लें। करके दें उसको अच्छी तरह से, हाँ और उसको आधे घंटे बाद उठा लें। ठीक हो गया। न्यू फैंसियर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? न्यू फैंसर को जो यही पैगाम दूंगा, आप इस शौक में आए एज अ हॉबी आए, अगर एज अ बिजनेस आएंगे तो। मैंने बड़े बड़े बंदे देखे हैं जो कि एज अ बिजनेस आए थे, बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, लेकिन उनकी जो लाइफ होती है इस हॉबी में वो मैक्सिमम 1 मंथ 1 ईयर होती है। तो वो क्योंकि वो शौक नहीं होता, हम लोग अगर बर्ड्स पाल रहे हैं पिछले 15 16 साल से तो हमारा ये शौक है। अगर हमारा भी शौक ना हो तो जितने अप एंड डाउन हमने देखे हैं, फिंच का टाइम देखा ऐसा रोज था कि 2 2 लाख की फिंच थी, अगले दिन सुबह सोकर उठे तो वही 500 रुपये का जोड़ा हुआ होता। ऐसा टाइम भी देखा फिंच का कि 2 लाख वाली फिंच जो है 1 हफ्ते के अंदर 500 रुपये की हो गई थी। तो शौक था इसलिए नहीं छोड़ा ये हमने ना, अगर शौक ना हो तो हम भी कब के छोड़ के भाग गए हो। बात यही है। और नेक्स्ट किंग के लिए चीज़, जो चीज़ आप बेच सकते हैं ना आप वो चीज़ लगाएं, ट्रेंड को फॉलो नहीं करना आपने। जो चीज़ आपको पसंद आती है वो पसंद आए। मैंने ज़िंदगी में कभी डिल्यूड ब्रीड नहीं करवाया, मुझे डिल्यूड पर्सनली नहीं पसंद था, लेकिन अब देख देख के इतने इतने प्यारे कलर डिल्यूड्स में आ गए हैं, मैं अब डिल्यूड ब्रीड करवाना शुरू करूँगा। और मेरी भी कुछ दिन पहले पार्टनर से बात हो रही डिल्यूड्स के ऊपर, तो मैंने कहा यार मैंने 50 जोड़ा डिल्यूड प्लान का लगाना है आप, क्योंकि अच्छा, अब मैंने 50 जोड़ा ड्यूट प्लान का लगाना है इस टाइम लोग इस टाइम। डाइल्यूट को पहले निकाल रहे पहले हैं। जब हम हाँ जी ड्यूट हाँ जी देखते थे हाँ ना जी हाँ तो जी ड्यूट के कलर्स बड़े लाइट से होते थे, लेकिन अब इतनी को वर्किंग हो गई है, ड्यूट के कलर्स बहुत शार्प हो गए हैं, उनकी मार्किंग बहुत प्रोमिनेंट हो गई है, बर्ड देखने का मजा आता है कि ड्यूट बर्ड आई है। पेल फेलो के अंदर भी जो है वो डाइल्यूट। पेल फॉलो में ड्यूट मैंने ब्रीड हाँ करवाया, उसकी इतनी खास जजमेंट नहीं है, नहीं पता लगता है। मेरे ख्याल से दोनों यूमिनिन बर्ड है, लाइट है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ड्यूट में उसमें ब्रीड करवाना चाहिए। डिल्यूट आप पेल में ब्रीड करवाएं अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है, डिल्यूट को स्लेटी में ब्रीड करवाएं अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है, डिल्यूट को मिस्ट्री में ब्रीड करवाएं अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है। तो अच्छा बर्ड है डिल्यूट, लेकिन मैं पर्सनली जो है मैं 2 3 म्यूटेशंस को आपस में मिक्स करने के हक में नहीं हूँ, प्योर म्यूटेशन का बंदा ब्रीड करवाए वो बेहतर है। मेरा ख्याल चले अब शेड की तरफ। जी शर्ट की तरफ चलते हैं। जी ये भजन ब्लू खिचड़ी है, ये जी डी ब्लू जूविंग अपलाइन का मेल है, स्लेटी ब्लू अपलाइन बर्ड है, स्लेटी बर्ड है ये माशाल्लाह। ब्लू अपलाइन स्लेटी। और ये बच्चा है अभी 5 6 महीने का, बल्कि 5 महीने का बर्ड है, इसको मैंने शौक के लिए होल्ड किया, इस साल नहीं तो अगले साल ये बर्ड शौक पे खिलाना है मैंने। ये प्योर ग्रीन फिश है वाइल्ड टाइप। माशाल्लाह जी, ये शादी भाई की पहचान है एक तरह की। इसकी जी टेल की टिप जो होती है ब्लू होती है, बॉडी कलर लाइट ग्रीन होता है, मार्क जो है ब्रॉन्ज ग्रीन होना चाहिए बर्ड का, माशाल्लाह और इधर जो खूबसूरत। नेक बननी चाहिए बर्ड की। ये जी वायलट अपलाइन पेल फैलो है, ब्रीडर कॉक है मेरा, ब्रीडर माशाल्लाह मेल है ये बर्ड, बहुत खूबसूरत और ये बर्ड ब्लू टू भी है। है जी, माशाल्लाह ये जी वायलट जूविंग अपलाइन पेल फैलो पॉसिबल ब्लू टू है, फीमेल है। माशाल्लाह। दिशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम वेलकम, निकाला। बहुत आपके आने का भी बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत टाइम शुक्रिया। निकाला हमारे लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।